ये कहानी हमारे देश के बहुत से परिवारों से जुड़ी है, तो वीडियो को पूरा देखे बहुत से लोगों की सोच बदल जाएगी। अच्छा रहा, बट बहुत थक गई हूँ। आप आराम कीजिए। अरे दीदी, आप वहां कहाँ जा रही है? वो कमरा तो भाभी। हाँ, ये मेरे रूम को क्या हो गया? चेंज कैसे हो गया? दीदी, आपके भैया का कमरा वो छोटा था ना, इसलिए माँ जी ने हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। मैं दिल्ली पढ़ने के लिए गई थी, सेटल होने के लिए नहीं गई थी। आपने तो आते ही मेरे कमरे पे कब्जा कर लिया। दीदी, मैंने माँ जी को बोला था कि ये कमरा आपको बहुत पसंद है, लेकिन माँ जी ने ही बोला हमें यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए। मम्मी का नाम लेकर अपनी गलतियों पे पर्दा मत डालिए भाभी, सब समझ आता है मुझे। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। खैर, रहिए आप चैन से इस कमरे में, छुट्टी के पहले दिन ही मूड खराब हो गया। अरे दीदी सुनिए तो, अरे दीदी सुनिए, आप नाराज मत होइए। वो सब छोड़िए, माँ घर में नजर नहीं आ रही है, कहाँ है माँ? माँ जी कुछ दिनों के लिए मुंबई गई है अपनी बहन के यहाँ। ठीक है, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आप एक कप चाय बना दीजिए ना। जी दीदी। हेलो माँ, आप मुझे बिना बताए मुंबई चले गए? तुम्हारे लिए यहाँ लड़का देखने आई हूँ। अच्छा, मैं घर आ चुकी हूँ, आप वापस कब आओगे? अरे बेटी, जल्दी आऊंगी, तुम्हारी शादी जो करवानी है। और हाँ, तुम्हारी भाभी से तुम सब घर का काम सीख लेना, क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी ढंग से आता नहीं है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही है आजकल, सब कुछ भाभी हो गई है। अरे आकांक्षा, तुम कब आई दिल्ली से? आज सुबह ही आई भैया दिल्ली से। छुट्टियां हो गई तुम्हारी? हाँ, 10-15 दिन की छुट्टियां हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। इसके बाद मेरे फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ओके। और क्या तुम मोबाइल में लगी हो यार, तुम्हारी भाभी से जब से शादी करके आया हूँ सब घर का काम उन्होंने संभाल लिया है। आप आ गए? और खाना तो कितना बढ़िया बनाती है, तुम्हें आता है क्या कुछ अभी तक? लेकिन भैया, ये क्या पूरा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, दिल्ली में जाकर कुछ सिखा नहीं लगता है तुमने? घर के कामों पे भी ध्यान दिया करो ना थोड़ा, तुम्हारी भाभी को देखो, घर के सारे काम वो संभाल लेती है, खाना भी कितना अच्छा बनाती है, तुम कब सीखोगे ये सब? सीखो अपनी भाभी से कुछ। लगता है मेरे जाने के बाद भाभी ने घर का माहौल ही खराब कर दिया है, सभी लोग भाभी की तारीफ कर रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं डायरेक्टली खाना लगा दो, बहुत भूख लगी मुझे। तुमने खा लिया खाना? नहीं, बाकी आप खा लीजिए। अरे भैया कब आए आप? बस अभी अभी आए हो, खाना खाओगे? नहीं नहीं आप खा लीजिए। अरे ये क्या खाना बनाया तुमने यार, पहली बार खाना बनाया क्या? क्यों, क्या हुआ? इतना ज्यादा नमक और मिर्च कौन डालता है खाने में यार? अरे लेकिन मैंने तो नमक मिर्च सब सही से डाला था। सब सही से डाला था तो इतना नमक और मिर्च इसमें आया कैसे? भैया आप तो कहते थे भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो अब क्या हुआ? खाना तो बहुत अच्छा बनाती, लेकिन पता नहीं आज इसे क्या हो गया, इतना बेकार खाना बनाया तुमने, तुमसे भी बुरा बनाया, पूरा मूड खराब कर दिया खाने का। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, बहना क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो तुमने दवाई ली कि नहीं? मैंने भाभी को बोला था, लेकिन भाभी ने दवाई लाने से मना कर दिया। क्या, क्यों मना किया? अरे नहीं दीदी, मैंने मना नहीं किया था, मैंने बस बोला था कि मैं थोड़ी देर में लेकर आ रही हूँ दवाई, और मैं बस जा ही रही थी दवाई लेने। आप तो रहने दो भाभी, आप तो चाहते ही नहीं कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, अगर आपको इतनी चिंता होती तो अभी तक आप मेरी दवाई लेकर आ गए होते। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं,
रश्मि ये तुमने क्या किया? तुम इसके लिए एक दवाई तक नहीं लेके आ सकी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं बहना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ। ये सब क्या है? सुबह से घर पे पोछा ही लगाया आपने? आपको पता है मैं अभी गिरते गिरते बची हूँ। लेकिन मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले पोछा मारा। तो ये पानी कहाँ से आया? मैंने फैलाया ये? नहीं दीदी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं जब से यहाँ आई हूँ देख रही हूँ कि आपसे कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। ना तो आपसे खाना बन रहा है, ना सफाई हो रही है, और आज ये सब। आपको मुझसे प्रॉब्लम है कोई? नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोबारा पोछा कर देती हूँ। जल्दी करो। आइए आइए आंटी जी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। अरे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। जो बेटा तुम्हारी सासू माँ कहीं नजर नहीं आ रही है? आंटी जी, सासू माँ कुछ दिनों की अपनी बहन के आ गई है। और सुना है तुम्हारी ननद छुट्टियों में तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हुई है, तब तो तुम्हें ननद के बहुत ताने सुनने पड़ते होंगे। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। नंदे जो होती है ना, सारी एक सी होती है। अपनी भाभी को ससुराल में कभी चैन से नहीं रहने देती है, क्योंकि उनसे भाभी के काम की बड़ाई सुनी नहीं जाती है। खुद से तो कोई काम होता नहीं है और सारा इल्जाम अपनी भाभियों पर लगाती है। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ननद बाकी नंदो जैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। नहीं नहीं बेटा, ये तो सब कहने की बातें हैं। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों तो एकदम बहनों की तरह ही रहते हैं, और उनके आने के बाद तो मुझे मायके की भी याद नहीं आती है। हाँ, उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। भाभी को मैंने कितना गलत समझा, लेकिन भाभी की सोच मेरे बारे में कितनी अच्छी है। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। भाभी मुझे माफ कर देना, मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। आपको बहुत भला बुरा सुनाया है। इतना सब होने के बाद भी आप मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखती हो, दूसरों के सामने मुझे इतना अच्छा दिखा रही हो। भाभी आप बहुत अच्छी हो।